तो फ्रेंड्स, शादी से पहले जिसके साथ में शादी हो रही है, जिस लड़की के साथ में शादी हो रही है, उसका वेरिफिकेशन करना कितना अनिवार्य हो जाता है, ये हम जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। कानपुर के फजलगंज थाने में तैनात एक कांस्टेबल को फेसबुक पर एक लड़की, शिवांगी नाम की लड़की से फेसबुक पर ही प्यार हो जाता है। दोनों की चैटिंग होती है। चैटिंग में जो शिवांगी नाम की लड़की है, वो बताती है, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ। तो कांस्टेबल जो थे, उससे प्रभावित हुए, उसकी खूबसूरती पे फिदा हुए कांस्टेबल, और उन्होंने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की तैयार हो गई, बातें होने लगी। लड़की ने आगे बताया कि मेरे घर वाले स्कॉर्पियो देना चाहते हैं शादी में, और पैसे कुछ कम पड़ रहे हैं। तो कांस्टेबल साहब ने क्या किया, 6,30,000 रुपये उसके खाते में डाल दिए। शादी हो गई। शादी के बाद में क्या होता है कि उनको स्कॉर्पियो नहीं मिलती है। कांस्टेबल पूछते हैं लड़की से कि स्कॉर्पियो क्यों नहीं मिली, तो वो लड़की बताती है कि वेटिंग चल रही है, बुक हो गई है, अभी मिल जाएगी थोड़े दिन में। दोनों कानपुर में किराए पे कमरा ले लेते हैं, और किराए पे कमरा लेने के बाद में वहीं रहने लगते हैं। इसी बीच लड़की बताती है कि मेरा ट्रांसफ़र चंडीगढ़ में हो गया। कांस्टेबल अब पता नहीं कैसे थे, क्या उनका था रवैया, तो वो मान जाते हैं, ठीक है। इसी बीच एक दिन वो जब वापस आए अपने कमरे पे, तो देखा कि पत्नी के साथ में एक दूसरा युवक है। पत्नी के साथ में दूसरे युवक को देखा, तो उन्होंने क्वेश्चन किए अपने पत्नी से, लेकिन पत्नी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाई। कांस्टेबल को शक हुआ, उसने इंक्वायरी करना शुरू किया, तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उसको पता चला कि ये लड़की जो है, ये शादीशुदा है और इसके दो बच्चे भी हैं। अब जो कांस्टेबल थे, वो अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे, और उसके बाद में उन्होंने नजीराबाद थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, जिसके बाद वहाँ जो थाना अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह है, उन्होंने जांच की, इंक्वायरी की, तो उनको पता चला कि लड़की पहले से शादीशुदा है और लड़की के दो बच्चे भी हैं, और उसने किस तरह इस कांस्टेबल को धोखाधड़ी करके फंसाया, रुपए ठगे। तो इसका इस बाबत 420 और अन्य विभिन्न सुसंगत धाराओं में उस लड़की पर केस दर्ज हुआ है। तो कहानी सुनाने का यही मतलब नहीं था कि एंजॉय करें और निकल जाएं, इसका मतलब ये है कि जो पुरानी प्रथाएं थी हमारी, जब हमारे बुजुर्ग लोग जब शादी करते थे, तय करते थे, तो उसके जाते थे उसके गांव घर जहाँ का रहने वाला होता था, काफ़ी इंक्वायरी करके तब शादियाँ करते थे। और आज के परिदृश्य में हो क्या रहा है कि आदमी फेसबुक पे फोटो देखता है, उस पर फिदा हो जाता है और शादी कर लेता है, उसके बाद में क्या अंजाम होता है इसकी परवाह नहीं करता। थैंक यू।